सो हाय, सो आज से हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा चालू करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले क्लास से बोल रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज समझा रखा है, तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि ऑटोमेटा, जैसे हम पहले क्लास में बोले थे, ठीक है, एक मशीन है, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। ऑटोमेटा, इसमें हम लोग इनपुट पैटर्न या फिर कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, आउटपुट जनरेट करता है ये, ठीक है। और यहाँ हम लोग ऑलरेडी लैंग्वेज एक दिए रहते हैं कि भैया इन लैंग्वेज में से तुम खोज के बताओ कि है कि नहीं। जैसे सपोज करो एक लैंग्वेज है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है, जो कि हमने हमको पता है कि ये है, ठीक है। अब सपोज करो एक हमारे पास स्ट्रिंग आता है, इनपुट स्ट्रिंग आ गया, इनपुट स्ट्रिंग आ गया ए ए ए। अब हमको ये बताओ, ये जो ऑटोमेटा है हमारा, ये जो ऑटोमेटा है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ 3 है, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत देर से ये मॉडल मॉडल हो गया, अब ये दिखता कैसा है एक्चुअल में? ये क्या मशीन है सही में? बैटरी बैटरी लगाया हुआ? तो कंप्यूटर में ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हम लोग यूज करने के लिए इसको ऐसे दिखाते हैं। तो हम लोग को दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में ही बोल दिया था कि बेस कंडीशन से हमेशा चालू करना, पहले ही ये देख के एक्साइटेड होके उछल के लिखने मत लग जाना। पहले इसको समझो कि लैंग्वेज बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, जिन जो स्टार्ट कर रहे ए से, वही एक्सेप्ट होंगे, तो कोई लिख देगा एप्सिलॉन। ये होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन तो कंडीशन में नहीं है ना, फॉल्स हो गया। ये पहला बेस कंडीशन ए निकल रहा है, ठीक है। दूसरा ए ए ए बी, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, और ऐसे निकल गए। तो ये क्या है? पहले ये बताओ, ये इनफाइनाइट एक फाइनाइट है, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में ही बोल चुके हैं, ये इनफाइनाइट है, इसका कोई लिमिट नहीं है कितना दूर जा सकता है ये, ठीक है। अब आओ इसको बनाते हैं। बनाए कैसे? ये हो गया इसका स्टार्टिंग स्टेट। जब ये ए देखा तो ये आगे बढ़ गया, बस सिलेक्ट हो गया, फिर ए और बी जितने भी आए वो सिलेक्ट करता जाएगा। अगर ये बी देख लिया, डेड स्टेट में पहुंच गया, और जितने भी ए बी आए हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब कंफ्यूज बच्चे, क्या है ये, क्या चीज बना दिए ये भैया? यही है तुम्हारा ऑटोमेटा, ठीक है। इसको बनाने का हम पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड बोल देंगे आगे, जस्ट हम दिखा रहे हैं कि क्या है ये चीज, ऑटोमेटा बनता कैसे, ठीक है, वो हम दिखा दिया अभी, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटा। ये जो पहला स्टेट है, ठीक है, पहला स्टेट को नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको एबीसी नाम देते हैं, ठीक है, ए बी, ये बी है, ठीक है, बी, और ये डी है, ठीक है। तो ये जो ए है हमारा, जो ए है हमारा, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, ठीक है। जो हमारा बी है ये फाइनल स्टेट है, मतलब जब हम ट्रांजिशन कर करके बी तक अगर पहुंच गए ना किसी हाल में भी, इसका मतलब तुम जीत गए, मतलब एक्सेप्ट है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है। डी क्या है? मौत, हेल। अब ये क्या है? अब हेल तो नहीं है, डेड स्टेट, ठीक है, डेड स्टेट हो गया। मतलब अगर एक बार भी तुमने यहाँ पैर रख दिया ना, ये यहाँ पर, तो वापस नहीं जा पाओगे, ठीक है। क्या कैसे दिखाओ, दिखाओ जरा, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल लो, स्ट्रिंग है हमारा
ए बी ए, सिंपल है ठीक है। तो देखो ए आया पहले, ठीक है। अच्छा ए पहले किस पे आएगा? ए पहले ए पे आएगा, ठीक है। ए पहले ए पे आएगा, ठीक है। तो ए पे, ए जब देखा, ए ने जब ए को देखा तो वो बी, बी को बोल दिया लो बी, ठीक है लो। अब जब बी ने फिर से बी को देखा तो लो बी, घूम फिर के वहीं आ रहे हो ना तुम, क्या बोलते हैं, बी में ही आ रहे हो ना, देखो बी। अब जब फिर से बी ने ए को देखा तो फिर से बी में भेज दिया, तो क्या हुआ, तुम यहां से ही फाइनल स्टेट में पहुंच गए, फाइनल स्टेट में पहुंच गए और तुम्हारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक स्ट्रिंग लेकर देखते हैं, नेक्स्ट एक स्ट्रिंग लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि स्टार्ट होगा बी बी एस से, ठीक है। देखो ए पे आएगा पहले, ए जब बी देखा लो पहले डेड स्टेट में पहुंच गया, फिर बी देखा फिर डेड स्टेट में पहुंच गया, फिर ए देखा फिर डेड स्टेट में, मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। जब तुम कंसेंट्रिक सर्कल देख लोगे ना, इसका मतलब है तुम्हारा फाइनल स्टेट तुम रीच कर गए, ठीक है। कंफ्यूजन है लेकिन ये क्लियर हो जाएंगी बाद में, हम बार बार बोल रहे हैं भावुक नहीं होना है, मतलब क्योंकि छोड़ देंगे अभी टीओसी नहीं, अब नहीं पढ़ना है, भावुक नहीं होना है, सब स्टेप बाय स्टेप हम बस बता रहे हैं कि मतलब टीओसी में ऐसा चीज है, ठीक है। तो मतलब ये डेड स्टेट है, अब यहां से ये इसको ट्रैप स्टेट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, ट्रैप स्टेट डेड स्टेट ऑलर सेम, ठीक है। तो यहां पहुंच गए तो ये वापस नहीं जा सकता, मतलब योर स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मतलब ऑटोमेटा दिखता कैसा है, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। ऑटोमेटा के कुछ कुछ टाइप्स है, ठीक है, ऑटोमेटा के जो है कुछ कुछ टाइप्स है, समझो ऑटोमेटा के कुछ कुछ टाइप्स है, बताते हो ऑटोमेटा के टाइप्स बताते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटा, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसके दो टाइप है, दो टाइप है, अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है फील, ठीक है, ढूंढने ले जाएंगे, ठीक है। दो टाइप है, अच्छा पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको हम एफ ए लिखेंगे, विथ विदाउट आउटपुट, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अच्छा इसमें आउटपुट भी होता है? हाँ जरूर होता है आउटपुट, ठीक है, देखेंगे। पहले हम लोग का मेन कंसर्न रहेगा विदाउट आउटपुट वाला, अच्छा इसमें भी तीन टाइप है, ठीक है, इसमें भी तीन टाइप है। पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको एनएफए भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या है, और एप्सिलॉन एनएफए, ठीक है। और विथ आउटपुट में हमारे पास दो चीजें हैं, मोरे मशीन और मिले मशीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले डीएफए से स्टार्ट करेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग सब मॉडल समझेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टीओसी में 80% हमारा यही कवर हो जाएगा, ठीक है, ये अगर कर लिए तो बस खत्म हो गए, अब सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आएगा ग्रामर, ठीक है। देखो हम बार बार यही चीज बोले कि टीओसी बस ये तीन चीजें, लैंग्वेज, उसके बाद तुम्हारा ऑटोमेटा, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा आएगा ग्रामर, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा ग्रामर। तो हम इस फेज को कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है, मतलब इट्स डन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इस फेज को, ठीक है,
इस पे हम लोग ये सब देखेंगे अभी क्या क्या सब है, ठीक है। और अब नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे ग्रामर, ग्रामर में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। रेगुलर ग्रामर क्या है, ठीक है, तो ये बाद में होगा, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डीएफए क्या चीज़ है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो टास्क क्या क्या है, टास्क कुछ ही है, बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।